स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल देते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी के करंट लेवल्स को देखेंगे तो इस वक्त भी 9250 के थोड़ा नीचे 9245 के लेवल्स पर बिल्कुल नैरो रेंज में फ्लैटिश कारोबार करते हुए दोनों ही ब्रॉडर इंडिसीज 22 पॉइंट इनफैक्ट क्वार्टर परसेंटेज डाउन। अभी सेंसेक्स भी काम कर रहा है, लेकिन आप निफ्टी के गेनर्स को देखिए। ऑयल एंड गैस स्पेस से आज काफ़ी अच्छी मजबूती आ रही है। तीनों ही ओएमसीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बीपीसीएल आईओसी आपके सामने 3.25 से 4% तक की भी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑटो स्पेस से अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो देखिए, आयशा मोटर्स दोनों में ही 1.5% तक का उछाल है। वहीं टेलीकॉम स्पेस से भारतीय एयरटेल में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप निफ्टी के लूजर्स पर ध्यान देंगे तो आज सबसे ज़्यादा दबाव फार्मा क्षेत्र के शेयरों पर देखने को मिल रहा है। सनफार्मा, लूपिन फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त वीकनेस देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज में भी करीब 2% तक की गिरावट है। दूसरी ओर फ्रंटलाइन आईटी इंडेक्स से इंफोसिस भी करीब 2% नीचे इस वक्त कामकाज कर रहा है। बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर्स भी वीक ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी थोड़ा सबड्यूड ट्रेड ही देखने को मिल रहा है। लेकिन सीधा चलते हैं न्यूज रूम संदीप के पास, जान लेते हैं ऐसे कौन से शेयर्स और सेक्टर्स हैं जहां पर न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है और बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले एमईपी इंफ्रा इस काउंटर पे नज़र रखे चलिए। इस महीने इन्विट लॉन्च करने की योजना है और 2000 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाई जा सकती है। कल आप अगर आपको याद हो तो बैंकों को रीट्स में और इन्विट्स में निवेश करने की मंजूरी आरबीआई की ओर से मिली थी और आज एमईपी इंफ्रा की ओर से खबर आई है तो उसका इम्पैक्ट देखिए इस काउंटर में 4.25% के आसपास से गेंस देखने को मिले हैं। बैंकों को जो रीट्स में मंजूरी मिली है निवेश करने की, उससे रियल एस्टेट में आज देखिए ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। कल भी लो लेवल से रिकवरी थी, आज पार्श्वनाथ, डीएस कुलकर्णी, अंसल प्रॉपर्टीज, पेनिनसुला लैंड, हॉपटाउन, अंसल हाउसिंग, नितेश स्टेट्स, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर काउंटर्स हैं जिनमें अगर आप देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ डबल डिजिट गेंस आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। कुछ फार्मा काउंटर्स देखिए, खासतौर पर मिड कैप साइड में, वहाँ पर काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं जिसमें एंड स्विफ्ट लैब, गुफिक बायो, कैमसन बायो, मर्क, एसएमएस फार्मा, मार्क्सन, कैडिला, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे 3 से लेकर 15% तक के जो अपमूव्स है आज के दिन में ही देखने को मिल रहे हैं। रिटेल शेयरों में आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। डीमार्ट से लीड कर रहा है, लिस्टिंग के दिन ही हमने 100% तक के जो रिटर्न्स थे वो आते हुए देखे थे। आज तो शेयर ने अपना जो नया हाई है वो टच किया है। इनफैक्ट डीमार्ट को अगर देखिए अपने नए लाइफ टाइम हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वी मार्ट, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल, इन सभी काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस हैं। सिंप्लेक्स इन्फ्रा 20% के आसपास का मूव है। गैमन इंडिया, गैमन इन्फ्रा, जेपी इन्फ्रा, ब्रह्मपुत्र इन्फ्रा में भी कल ऑर्डरमेंट की खबरें थी। दूसरे दिन लगातार आप देखिए इनमें जो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। ओएमसीज की बात तो आपने करी है, डेली बेसिस पे हो सकता है कि फ्यूल प्राइस रिवीजन हो, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। मिड कैप बैंकों में कुछ खरीदारी है, धनलक्ष्मी बैंक से आज लीड कर रहा है, डबल डिजिट गेंस में है। कॉर्पोरेशन बैंक, यूको, देना, साउथ इंडियन बैंक, ये कुछ और मिड कैप बैंकों की श्रेणी है जहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस आज देखने को मिल रहे हैं। एनबीएफसीज में पर्टिकुलरली आप देखिए मैक्स फाइनेंशियल और एडलवाइज इसे आज लीड कर रहे हैं। इसके अलावा एबी मनी 3 दिन से लगातार सर्किट टू सर्किट मूव देखने को मिल रहे हैं। भारत फाइनेंशियल, स्टैम्पीड कैपिटल, आईडीएफसी, भारत बजाज फिनसर्व, ये कुछ और काउंटर्स है जहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों में आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ प्राइजेस में कमी देखने को मिल सकती है, अफोर्डेबल हो सकते हैं, तो ऑप्टो, बीपीएल, पॉली मेडिक्योर, मॉर्फिन लैब, सीमन जैसी कंपनियां, इन सभी में आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। टेक्सटाइल एज अ पैक में काफ़ी अच्छे मूव है जिसमें बांसवाड़ा सिंटेक्स इसे लीड कर रहा है आज के लिए। इसके अलावा सुतले टेक्सटाइल, केजी डेनिम, वर्धमान पॉली, इनमें भी काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। और ऑफशोर शेयरों में आज एचओईसी बताया गया था आपको टुडे स्टेट के तौर पर जी बिजनेस पर, उसमें तो काफ़ी अच्छे गेंस आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अबान, डॉल्फिन, गोल ऑफशोर, इन सब में भी काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। केमिकल शेयरों में हम देख रहे हैं एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे रोज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिलता है और आज जिन शेयरों में उछाल है उसमें एक्सेल, अल्कली, गुलशन पॉली, स्पिक, सुप्रीम पेट्रो, दीपक नाइट्रेट, ये कुछ ऐसी कंपनियां केमिकल स्पेस से जो कि आज की तेज़ी को लीड कर रही है। और आखिर में एयरलाइंस एज अ स्पेस में आप देखिए प्रेशर देखने को मिला है। क्रूड में उछाल आया है, उसका इंपैक्ट आप देखिए नेगेटिव साइड पर देखने को मिला है। तो जेट की बात कीजिए, स्पाइस जेट या तो फिर इंडिगो, इन तीनों काउंटर्स में आज देखिए 1.5 से लेकर 4% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली शुक्रिया संदीप आपका बताने के लिए। सेक्टोरल व्यूज इस वक्त कहाँ रुझान देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड पर और कहाँ पर अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, सभी आंकड़े बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमने मार्केट गुरु जिम रॉजर्स से भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आज का जो मार्केट्स का सुबह में हैंडओवर हमें मिला था वो वीक मिला था, खासतौर पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने एक सेंटर स्टेज लिया है जिस तरीके से यूएस ने अटैक किया सीरिया के ऊपर, उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स में भी आज वीकनेस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। ऐसे में मार्केट्स पर उनका आउटलुक क्या है और खास तौर पर कमोडिटीज को लेकर उनका क्या व्यू पॉइंट है, इन दोनों ही बातों को लेकर हमने चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। US market is at near all-time highs, as you know. I don't like jumping into anything that's at all-time highs. Mr. Trump has said he's going to have trade wars with China. Now, I don't know. He said he was going to do it his first day. He's done nothing after 2 or 3 months.
So, but he said he's going to have a trade war. He said he, now he says he's going to take care of the Middle East. He's going to take care of North Korea. I mean, if all of these kind of things come true, that's not going to be good for markets anywhere in the world, except maybe oil, except maybe gold. I own U.S. dollars. I own U.S. dollars partly because there is more turmoil coming in the world. And when there's turmoil, people like a safe haven. They think this U.S. dollar is a safe haven. I own a lot of them, but it's not a safe haven. It's just that people think it will be during times of turmoil. If we're going to have more blow-ups in the Middle East, the crude is going to continue to do well. I've said before to you that, you know, crude is in the process of making a complicated bottom. A few years, we'll look back and say that in 2015, 2016, 2017, crude made its complicated bottom, and then things will go higher after that. I'm not buying crude at the moment, but I do know it's making a bottom. चलिए तो आपने सुना जिम रॉजर्स को, जिनका मानना है कि कहीं पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो या फिर वर्ल्ड में टर्मोइल हो तो वो मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. दूसरी ओर कमोडिटीज़ में क्रूड का उनका मानना है कि अब एक तरीके से क्रूड का बॉटम बन गया और हो सकता है आगे जाते हुए अब प्राइसेस बढ़ते हुए ही नजर आए. लेकिन खास तौर पर आज एक और अहम दिन है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, और ऐसे में आपकी सेहत का तो ख्याल आपको रखना ही चाहिए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की सेहत के सुधार के लिए हम कुछ ऐसे शेयर्स लेकर आए हैं जहाँ पर अगर आप इंक्लूड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो सेहत तो डेफिनेटली होगी ही अच्छी, लेकिन आपको वेल्दी भी बनाने की ये क्षमता रखते हैं. पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं कुछ ऐसे ही शेयर्स के नाम लेकर. पूजा, बताइए कौन से शेयर्स हैं वो जो कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन पोर्टफोलियो में अगर शामिल किया जाए तो हेल्दी तो वो शेयर्स हैं ही, वेल्दी भी बनाने की क्षमता रखते हैं. जी, और जो भी शेयर्स हमने चुने हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर, फिटनेस, स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े हुए ये शेयर्स हैं. पहला जो शेयर है हमारी लिस्ट में वो है तवलकर्स का. यहाँ पर वे टू वेल्थ ने खरीदारी की राय दी है 337 के लक्ष्य के लिए, और अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान भी है इस कंपनी का. FY20 तक 300 नए जिम शुरू करने की योजना है, और कंपनी का एक और सेगमेंट है लो कॉस्ट जिम चालू किया है, जिसके जरिए कंपनी की काफी ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने की भी योजना है. और अगले कुछ सालों में माना जा रहा है कि कंपनी का जो ROE है वो 20% होने का अनुमान है. तो ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए. दूसरा जो स्टॉक है वो है FDC. ये स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई थी ये कंपनी. हम आपको बता दें कंपनी प्रो कबड्डी लीग और इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग के भी प्रायोजक भी रह चुकी है, और एक कुछ जो नोन ब्रांड है जैसे कि जाइफाई, इलेक्ट्रॉलिक काफ़ी नोन ब्रांड है, विक्टोफॉल, ये सब कुछ ऐसे ब्रांड है जो कंपनी के रेवेन्यू में करीब 35% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. और एक फ्लैगशिप इनका ब्रांड है स्पोर्ट्स ड्रिंक एनर्जल, वो भी इसी कंपनी का है, और इसका भी कंट्रीब्यूशन कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा खासा है. और इसके अलावा ORS सेगमेंट के भी एक दिग्गज कंपनियों में से एक है. फर्स्ट कॉल ने खरीदारी की राय दिया और माना जा रहा है कि 250 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं. अगला स्टॉक थायरो केयर, 2015 से क्षमता विस्तार पर काम जारी कर रही है, देश की दिग्गज डायग्नोस्टिक कंपनी में से एक है. और नोटबंदी के बाद हमने देखा था कि उम्मीद से काफ़ी जल्दी कारोबार में सुधार देखने को मिला था, और मार्जिन भी कंपनी के काफ़ी जल्दी सुधरे थे. BNK ने भी खरीदारी की राय दी है स्टॉक में, और लक्ष्य माना जा रहा है कि 860 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं. आखिरी स्टॉक है डाबर, FMCG का एक काफ़ी दिग्गज प्लेयर, आयुर्वेदिक सेगमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 132 सालों से ज़्यादा का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेयर केयर, ओरल फूड सेगमेंट में कारोबार काफ़ी अच्छा है. और नोटबंदी के बाद यहाँ पर भी डिमांड में सुधार हुआ, जिससे इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ. और एक और सेगमेंट है इनका हेल्थ अवेयरनेस, उसको भी धीरे धीरे एक्सपैंड करने का कंपनी का प्लान है. HDFC सिक्योरिटीज़ ने खरीदारी की राय दी है, और मानना है कि आगे चलकर 318 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं. जी शुक्रिया पूजा आपका बताने के लिए. तो ये चार शेयर्स आपको बताए गए हैं, टलवर्कर्स, FDC, थायरो केयर और डाबर. इन सभी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और एक हेल्दी साथ ही वेल्दी पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं. शुक्रिया पूजा आपका इन सभी शेयर्स के बारे में जिक्र करने के लिए. लेकिन आगे बढ़ते हैं, फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, खासतौर पर मेडिकल इक्विपमेंट मेकर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं. आज काफी अच्छा रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ऑप्टो सर्किट्स आप देखिए 14% तक की ऊपरी स्तर दिखा रहा है अभी भी, और साथ ही पॉलीमेडिक्योर, सीमेंस, बीपल जैसे शेयर्स जो है ये भी काफी अच्छा रुझान दिखा रहे हैं. 5-8% तक की अपूंप भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. खबर भी इस सेक्टर से जुड़ी हुई काफी पॉजिटिव आ रही है. खासतौर पर ये माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही मेडिकल उपकरणों के लिए एक पॉलिसी लेकर आ सकती है. क्या बारीकियां हो सकती हैं इस पॉलिसी में और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको बेनिफिट खासतौर पर हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी भी मौजूद है. बताइए डिम्पी, इस पूरी पॉलिसी के बीच जो सेंटर स्टेज बातें होंगी वो सब क्या होंगी?
देखिए, जब भी कोई पॉलिसी आती है उसमें सबसे पहले अट्रैक्शन का पॉइंट ये होता है कि उसमें एफडीआई कितना होगा। ऑलरेडी इसमें पहले से ही 100% एफडीआई जो कि ऑटोमेटिक रूट पर है, तो इसलिए यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला। ये पहले भी हो चुका है, सरकार असल में इसमें थोड़ा गंभीर है। खुद प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई, उनसे ये कहा कि आपके मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में अभी तक का क्या स्टडी है और ये कैसे बढ़ सकता है। तो रिपोर्ट्स तो अच्छी थी, बढ़ सकता है लेकिन थोड़ा जोर लगाना होगा। 100% एफडीआई से बात नहीं बन पा रही है, इसलिए सरकार एक ठोस नीति इस पर लेके आना चाहती है। ये असल में मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई नीति होगी जिसमें सरकार न केवल एफडीआई का प्रोत्साहन देगी बल्कि कई ऐसे बेनिफिट्स भी देगी जो इस पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। पहले आपको भारत का एक स्टेटस भी बता दूँ कि मेडिकल इक्विपमेंट के बेसिस पर भारत एशिया में चौथे नंबर पर आता है, विश्व बाजार के अंदर 20वें नंबर पर आता है और आंकड़ा ये कहता है कि 80% मेडिकल इक्विपमेंट्स हम बाहर से ही बोरो करते हैं, यानी कि इम्पोर्टेड होते हैं, आयातित होते हैं। तो इसमें हालांकि ये ना ही जॉब ज़्यादा जनरेट करेगा ना ही रेवेन्यू, लेकिन अपने आप में भारत की साख की तरह काम कर सकता है, इसलिए शायद इस पर सरकार जोर से काम करे। अब जो रिपोर्ट के अंदर आ सकता है, पॉलिसी के अंदर आ सकता है, वो ये होगा कि जो उपकरण बनाने वाली कंपनीज हैं उनको थोड़ा सस्ता कर्ज दे दिया जाए, एक तो ये पॉइंट टू बी नोटेड होगा। दूसरा, उनको बिजली सस्ती दी जाए, ये दूसरा फैसिलिटी उनको इस पॉलिसी के तहत दी जा सकती है। तीसरा, छोटी और जो मझोली कंपनियां हैं उनके पास अगर शुरुआती कैपिटल नहीं है, जिसको हम सीड कैपिटल बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो सरकार वो भी मुहैया करा सकती है। ये टोटल पूंजी का करीब 20% भी हो सकता है। टैक्स में छूट मिल सकती है, ज़्यादातर कच्चा माल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो सरकार इसको जीरो ड्यूटी में लेके आएगी, यानी किसी तरह की कोई ड्यूटी होगी नहीं कच्चे माल पे। ये फैसिलिटी भी पॉलिसी का हिस्सा हो सकती है और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दिया जाए ताकि जो पैरिटी है, डिस्पैरिटी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बीच में, उसको काफ़ी हद तक खत्म किया जाए। और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता भी दी जा सकती है। जो शेयर बेनिफिशियरी रहेंगे वो सीमेंस हैं, पॉली मेडिक्योर, BPL और साथ ही ऑप्टो सर्किट्स। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपको बताने के लिए। ये सभी खबर जो है खासतौर पर मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर है, सरकार जल्द ही यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आ सकती है और काफ़ी अहम बातें भी डिम्पी ने यहाँ पर आपको बताएं जो कि इस पॉलिसी का हिस्सा हो सकती हैं। इस पूरे ही इंडस्ट्री को या सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी में काफ़ी नए कदम आ सकते हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे, चीपर लोन्स इन कंपनियों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, चीपर इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही इनका जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए सरकार कुछ मदद कर सकती है, टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है। तो ये काफी अहम पॉइंट्स हैं और जो कि इस पूरे ही सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्टो सर्किट्स, इसी बीच आप देखिए इस खबर के साथ ही साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर 11 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रहा है और 13% तक का उछाल भी दिखा रहा है। आप देखिए पॉली मेडिक्योर को 6% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और साथ ही BPL को भी आप देखिए करीब 9.25% तेज यहां पर कामकाज हो रहा है। मार्केट्स में इस बीच अगर आप देखेंगे तो आज काफी रेंज बाउंड ट्रेड जरूर देखने को मिल रहा है, वीक ग्लोबल क्यूज है और उसी के बाद एक नैरो रेंज में मार्केट्स जो है कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी लाइफ टाइम हाईस के करीब ही मार्केट्स पहुंच चुके हैं और खासतौर पर इक्विटीज में इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो आया है वो माना जा रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी आया है। इनफैक्ट जो आंकड़े कह रहे हैं रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होते हुए नजर आए हैं। क्या है ये आंकड़े, ये समझने के लिए न्यूज रूम चलते हैं। पल्लवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, जो आंकड़े आपके सामने आए हैं पहले तो वो बताइए, जो रिकॉर्ड स्तरों पर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है और किन वजहों से म्यूचुअल फंड्स में इतना ज्यादा निवेश बढ़ा है ये भी बताइए। तो पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। इस बार FY17 के जो आंकड़े हैं 18 लाख करोड़ के पार हो चुका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। इसके पीछे कई कारण हैं, बाजार की तेजी उसमें से एक है, लेकिन पिछले साल से इसे कंपेयर करते हैं तो 35% से ज्यादा का इजाफा AUMs में देखने को मिला है और टॉप 10 जो फंड हाउसेज है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस 35% की बढ़त में 88% है। खासतौर पर तीन ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया, जिसमें से ICICI प्रूडेंशियल, रिलायंस, HDFC, AMC शामिल हैं। अगर आपने बात की रीजंस की तो मैं बता दूं, बाजार में जो तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है इसका एक ये एक अहम कारण है म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ने का। साथ ही रिटेल निवेशकों की तरफ से पैसा आ रहा है, यानी कि SIPs में इंक्रीज हो रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर बना। इसके अलावा अगर कारण देखें तो ब्याज दरों में जो गिरावट आई है उसके चलते बैंक FDs की दरें काफी कम आ चुकी है, कई महीनों के निचले स्तरों पर है, इसलिए रियल एस्टेट, FDs, गोल्ड जैसे एसेट्स के मुकाबले लोग इक्विटी में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो संस्थागत निवेशक है FIs उनकी तरफ से भी लगातार स्ट्रांग बाइंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते भी बाजार में मोमेंटम बना है और 18.5 लाख करोड़ का आंकड़ा ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस साल की शुरुआत कैसी हुई तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 17 लाख करोड़ का आंकड़ा जनवरी में AUMs में देखने को मिला, जिसमें और ग्रोथ देखने को मिली और ये 17.9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं मार्च के वहां पर ये 18.3 लाख करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। तो लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ 2012 के बाद से देखने को मिल रही है और फिलहाल जो आंकड़े हैं वो 7 साल की ऊंचाई पर है।
एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका ये सभी रिकॉर्ड आंकड़े बताने के लिए जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या इक्विटीज में निवेश हुआ है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट्स भी जोरदार रुझान दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार लाइफ टाइम हाइज भी मार्केट्स ने छुए हैं। ऐसे में सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि म्यूचुअल फंड्स का ट्रेंड वो आगे जाते हुए कैसे देख रहे हैं, और खासतौर पर ये जो पीछे की वजह है तेजी की वो क्या है, और उनका मानना है कि इन्हें कहीं पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो भी स्पॉट करते हुए नजर आई है। पूरा इक्विटी का पार्टिसिपेशन डेट में उतना ज्यादा नहीं है, और ये इक्विटी पार्टिसिपेशन एक रिटेल सेगमेंट से आ रहा है, क्योंकि ब्रॉड रिटेल सेगमेंट जो एसआईपीज के थ्रू फ्लोस कर रहे हैं वो हर महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आप देखिए तो ये एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है मोदी जी और उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर जो भरोसा है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एक डेटा हमने देखा है कि मई 14 जबकि मोदी जी आए बैक टू पावर, तो मई 14 से आज करीबन 3 साल के अंदर 2,00,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी में आए हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ बजिंग न्यूज को यहीं समेटने का वक्त हो चला है, हमें दीजिए इजाजत।